नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत शर्मा। कनीना की नगर पालिका का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। विभिन्न अधिकारी कर रहे हैं निरीक्षण। महेंद्रगढ़ रोड पर तकरीबन 4.6 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका कनीना का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। अभी इस भवन को नगर पालिका के प्रधान सतीश जेलदार के हैंडओवर नहीं किया गया है। विभिन्न अधिकारी आकर इस भवन का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसमें शनिवार को SDM रणवीर सिंह ने इस भवन का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ नगर पालिका के प्रधान सतीश जेलदार व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि 7 जुलाई 2015 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कनीना में एक रैली के दौरान नगर पालिका के नए भवन का निर्माण का ऐलान किया गया था। संदीप सिंह द्वारा नगर पालिका भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था। उनके द्वारा लगाया गया यह पौधा अब पेड़ बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी छांव में नगर पालिका अधिकारी व कर्मचारी आसानी से अपना कार्य कर सकेंगे। इसके अलावा उनके द्वारा कनीना कस्बे में अनेक बड़े स्तर का विकास कार्य कराए थे, जिसमें आधुनिक शौचालय, ई टॉयलेट, पार्क, खुले आसमान के नीचे व्यायामशाला सहित अनेकों विकास कार्य कराए गए थे। नगर पालिका के इस नए भवन में, नवनिर्मित भवन में 3 फ्लोर बने हुए हैं। सबसे नीचे का फ्लोर पार्किंग का फ्लोर बना हुआ है, उसके बाद का फ्लोर नगर पालिका के प्रधान का बैठने का बनाया गया है। इसके बाद इसमें अच्छे डिज़ाइनों से सुसज्जित कुर्सी, मेज, सोफे लगाए गए हैं। इसमें विभिन्न अधिकारियों के लिए एक एक कमरा बनाया गया है। इसमें एक रिसेप्शन काउंटर बनाया गया है, शिकायत काउंटर बनाया गया है। इस भवन में एक बहुत सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, जिसमें 20 कुर्सियां लगाई गई हैं। इस भवन में एक प्रोजेक्टर भी लगाया गया है, जिसके माध्यम से सभी से मीटिंग करते समय विजुअल भी देखे जा सकते हैं।